Co-powered by Techno. की अमेठी में एक दलित परिवार के शिक्षक की गोलियों से खून का हत्या कर दी गई, क्या कहना है? देखिए, जब मैंने वो लाशें देखी जिनमें दो छोटी बच्चियां हैं, और मैं नहीं मानता कि उन बच्चों ने कोई ऐसा अपराध किया होगा कि उनके साथ ऐसी दर्दनाक घटना होनी चाहिए। तो मैंने अपनी बात लिखी भी है और मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। और जंगल राज के साथ साथ ये जो लाशें जो वहाँ पड़ी है ना स्ट्रेचर पे, वो उन गरीबों की लाशें नहीं है दलितों की, वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की लाशें हैं जो उन स्ट्रेचर पे पड़ी है। मुख्यमंत्री बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, क्रिमिनल भाग गए हैं, गुंडे छोड़ गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है। उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, ये ऑन रिकॉर्ड है, FIR दर्ज हुई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज उनको ये दिन देखना पड़ा। उन्होंने पहले भी उस FIR में भी लिखा था, अगर हमारे साथ कोई घटना होती है तो ये आदमी पर्टिकुलर इसका दोषी होगा। उसके बावजूद पुलिस नेताओं के चौकटों पर जो है खाकी के इकबाल को कमज़ोर कर चुकी है, सत्ता के आगे नतमस्तक है। अदरवाइज हमने बहुत बड़े बड़े गुंडों को पुलिस के हाथों जो है धूल चाटते देखा, लेकिन आज क्या है, आज ये है कि चार चार लोगों की जिंदगी से हाथ धोने पड़ रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था जीरो है और मुख्यमंत्री सिर्फ पीठ थपथपा रहे हैं। जमीनी काम कुछ नहीं हो रहा है, और ऐसे पुलिसकर्मी जब तक उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी, मुझे नहीं लगता किसी और जिले में किसी और अधिकारी पे इसका कोई भी दबाव जाएगा। ये तो घटनाएं रोज ही हो रही है। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए। अब समय आ गया है कि उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहालो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। वो कदम जाति धर्म पार्टी से ऊपर उठ के अपराधियों के खिलाफ, और वो कदम ऐसे कदम हो जिससे जनता सराहना करे। ऐसे नहीं कि अपने राजनीतिक विरोधियों को निपटा दो, जाति धर्म के आधार पर जो है बुलडोजर चला दो। ये कदम कोई सराहनीय कदम नहीं है। सराहनीय कदम तब होंगे जब इस तरह के अपराध करने वालों को कठोर से कठोर सजा जो है सरकार दिलाने का काम करेगी, और उसमें मुझे उत्तर प्रदेश सरकार फेल दिखाई देगी। Co-powered by Techno.